नमस्कार किसान साथियों, बीके न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लहसुन के भाव कब तक बढ़ेंगे, कितनी तेजी के आसार हैं, विशेषज्ञों की राय क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान साथियों, इस साल लहसुन के भाव को ठीक ठाक कह सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। चीन में इस साल लहसुन का उत्पादन 30% के करीब कम हुआ है, यानी इस साल चीन में लहसुन फसल को भारी नुकसान हुआ है। चीन लहसुन उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, उसके बाद भारत का स्थान आता है, यानी भारत लहसुन उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। बात करें लहसुन की तो भारत से लहसुन की अच्छी खासी डिमांड जारी है। बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया, कई देश लगातार भारत से लहसुन अच्छी खासी मात्रा में ले रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो मई तक, यानी सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो 2 महीने पहले तक के हैं। अभी 2 महीने के आंकड़े आने बाकी हैं। लहसुन का निर्यात 50,000 टन को पार करने की उम्मीद जताई है, यानी 2 महीने पहले ही भारत सरकार ने आंकड़ा जारी किया था कि लहसुन का निर्यात 50,000 टन को पार कर गया है। वैल्यू के लिहाज से भारत सरकार ने 4 महीने में 34% वैल्यू बढ़ोतरी के साथ 205.57 करोड़ रुपए की आमदनी यानी निर्यात लहसुन किया था। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में लहसुन की मांग अच्छी खासी बनी रहेगी, जिससे आने वाले दिनों में लहसुन के भाव 200 रुपये प्रति किलो तक जाने की संभावनाएँ जा रही है। जानकारों का कहना है कि इस साल लहसुन के भाव पूरे साल तेज बनते जाएंगे। आने वाले दिसंबर या नवंबर तक लहसुन के भाव में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। किसान साथियों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।